कॉन्फ्रेंस कीती जा रही है, एक कीती जा रही है रिलेटेड टू जिहड़े ब्यास दरिया दे विच पानी आउंदा ते हड़ां वाली सिचुएशन क्रिएट करदा। मेरे नाल मेरे इलाके दे सुल्तानपुर लोधी दे जिमीदार बैठे आ जिहड़े इस दरिया दे उत्ते इहनां दे पिंड पैंदे आ। इस दरिया च जदो जदो पानी चढ़दा उहदा नुकसान ये अगे हो के चलते हैं। तो पिछले 20 दिन पहला जो तो मैं अपने इलाके गया करीब 1 तरीक तो उदो भी पिंड आली कला च पानी चढ़िया। अज तो पहला जो भी पानी चढ़ता सी तो लोग ये महसूस करते सी कि ये कुदरत का नुकसान है, ये कुदरत करके असी इफेक्ट हो। पर मैं पिछले 3-4 दिन जो एनालाइज किया कि यह कुदरत करके है जो पानी साढ़े इलाके कले सुल्तानपुर लोधी च नहीं, ब्यास दरिया मेरे हल्के के नाल लगता 40 किलोमीटर लग के लंघ ये नाल ना सीनियर गोबिंदपुर खडूर साहब कुछ इलाका जिले तरन तारण का भी जिले पट्टी का भी इफेक्ट करता है। दरिया दोवां इलाकों इफेक्ट करता कले मेरे इलाके नहीं, दरिया के खब्बे बने तो दरिया के सच्चे बने। जो मैं एनालिसिस किया मेरे को डाटा आया कि पानी खीन डैम तो आया, पानी ओंग डैम तो आया, ये सारा पानी इकट्ठा होके आ जाता ढिलवा। ढिलवा तो जिहड़ा पानी पिछले 1 हफ्ते का डाटा आया वो छड्डिया गया 18 तरीक नूं 19,000 क्यूसिक, 20 नूं 25, 30 नूं 31, 35 नूं 63,000 क्यूसिक, 2 नूं सॉरी 22 नूं 21 नूं 22 नूं 49,000, 23 नूं 37,000, 24 नूं 33,000, टोटल 2,58,000 क्यूसिक पानी ढिलवा तो छड्डिया गया हरीके। तो जे हरीके तो ढिलवा च वेखिए दरिया तो इलावा कुछ नहीं निकल सकता, एक सिर्फ ब्यास दरिया लंघदा। तो गल विचों निकल के ये आई आ कि जिहड़ा 2,58,000 छड्डिया गया उहदे चों सिर्फ 1,73,000 क्यूसिक पानी हरीके पहुंचा। गल है मैं सरकार नूं ये पुछना चाहुंदा कि समेत जिहड़े कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज ने इरीगेशन एंड ड्रेनेज दे कि जिहड़ा 90,000 क्यूसिक पानी ढिलवा तो छड्डिया गया वह 90,000 क्यूसिक पानी हरीके क्यों नहीं पहुंचया। वह हरीके नहीं पहुंचा तो पानी कित्थे गया, कि पानी उड़ गया या वो पानी जमीन के अंदर चले गया। पर जो मैं एनालाइज किया कि वह पानी ना हरीके पहुंचा ना उड़िया ना जमीन च गया, वो खब्बे सज्जे जिहड़े लोगों के खेत से जिमीदारा दे उन्होंने भरिया। तो सरकार अज जिमीदारा डोबण पर आई हुआ, पानी असी क्रॉस नहीं कर पा रहे वो साढ़े खेतों च पिया। तो लोगों को यह दसीए कि जो पानी 90,000 क्यूसिक मीटर पानी बहुत होंगे, वो पानी किस तरीके इन्हों के खेतों चो निकल, ये लोग पुछना चाहते हैं। असी भी इलाके जाने तो अजय तो आप यही सोचते सी कि ये कुदरती हो गया। तो जे सरकार को कोई रिपोर्ट पिछले 15 दिन आई हो समस्या तो वो नाल कि अज तक कोई एनालिसिस किया, तो जे वह एनालिसिस किया तो वह सल्यूशन की तो जिहड़ा उहदा सल्यूशन है वो आपां लोकां नूं दसीए वी तुहाडे जिहड़े खेत भरे पए आ वो किन्नी देर च सरकार उहनां चों पाणी कढ के दे। हरीके दी कपैसिटी 5,60,000 क्यूसिक कढ़न दी आ, 5,60,000 क्यूसिक
अज ओ चो निकल कि रहा 25,000 27,000 28,000 10,000 राजस्थान जा रहा 10,000 फिरोजपुर कनाल जा रहा कदे 5,000 कदे 4,000 कदे 7,000 गीटा थानू कटिया जा रहा। तो ये नाल एक होर गल मेरे एनालिसिस दे विच आई कि MB कनाल आ एक माधोपुर वाला कनाल ओ पानी आप पाकिस्तान छड़ सकते हैं जां अपनी कोई सैस असी पहला ब्यास पहला ही डुबिया पिया 8,000 क्यूसिक पानी सरकार फिर ब्यास चो दे चो पा रही है भाई जिहड़ा इलाका डुबिया पिया गेट हरीके दे तुसी खोल के राजी नहीं पानी कढ के राजी नहीं तो फिर घटो घट वह पानी आना तो बचा दो साढ़े लोग बच जाए। मैं तो महसूस हो रहा भी सरकार लोगों ने आप डुबन पे आई हो जिमेदार जिमीदार फसल खराब हो रही झोना खराब होना तो हाल साडा यह हो जाता कि फिर बाद जो कणक बीजी दी है ना तो एक पानी एक बारिश हो जाए तो लोगों की कणक भी नहीं होती। सो ये लखां एकड़ टोटल माझे दे ते दुआबे दे मिला लीए लखां एकड़ 2,00,000 एकड़ अज की डेट च अफेक्टेड है। मैं धन्यवाद करना चाहना साढ़े DC साहब का जो सानू इस समस्या का पता लग्या उन्होंने इंटरवेंशन के नाल हरीके दे दर खुलाए गए पर पानी कि निकलिया एक दिन 7,000 दूजे दिन 10,000 तीजे दिन अभी रौला पाया तो 13,000 कल उस पानी को फिर 8,000 गल आप लोगों को दसन की लड़ है कि जो 5,60,000 की साड़ी कपैसिटी आ असं उन्होंने सिर्फ 30,000 पे क्यों चला रहे नॉट इवन 5% ऑफ द कपैसिटी जिहड़ा पानी आ पिछो आवे वह दरिया च आना चाहिए लोगों के खेतों च नहीं आना चाहिए। तो जो साढ़े दरिया 30,000-50,000 पानी नहीं हैंडल कर सकते तो नहर के दरिया च बड़ा फर्क होंगे। तो मैं होर जिमीदार दसना चाहना कई बार 1,00,000 क्यूसिक पानी कि कल तो मैं ही नहीं पता पर जो मैं एनालाइज किया कि जिहड़ियां नदियां राजस्थान में जांदियां ना ये एवरेज मोटा मोटा 10,000 पानी क्यूसिक पानी लेके जाती है तो अगली 10 नहर जिन्ना एक दिन का पानी साढ़े इलाके तुरया पड़ता तो सरकार ने अभी पिछलिया 15 दिनों कोई स्टेप नहीं चुकिया कोई सोच नहीं कि आप अपने जिमीदार हाल जिड़े हाल च है कि इन्हों तंगी चो कि क्ढना। मैं तो यह महसूस करता कि सोच यह है भी जिमें चढ़िया उमें आप ही उतर चुका वापी नहीं उतर फिर मगरों असी पिछे पै के गरदौरिया करवाणिया गरदौरिया के 10,000 जिमीदार दे देना तो कहना भी मूल वेट देना भी काम करता फसल का नुकसान कली एक का नहीं दोवां का। ये नाल मैं तुहानूं होर एक गल दसनी चाहुंदा कि जिहड़ा अपना पौंग डैम है जिहड़ा पानी सिर्फ तो सिर्फ ब्यास चाहुंदा उहदा लैवल मैक्सिमम लैवल 1390 फुट है तो अज वो लैवल कि आ चुके 1382 फुट 10 तरीक न 1350 फुट से 15 दिन 40 फुट बढ़ चुके 7 फुट रह गया बदल तो जो उन्होंने पानी छड़ना तो पानी जाऊगा कितने पानी ने सुल्तानपुर के माझे के लोगों के गिटिया जाके पुसना तो की साडे लोगों की गलती है कि असी ब्यास दरिया के नाल आके रह रहे हैं तो बारिश पवे कितने तो फ्लड होवे सुल्तानपुर का इलाका या माझे का इलाका खडूर साहब का इलाका। सो मेरी सरकार को यह बेनती आ शेयर बेनती करनी चाहना कि जे अपने को सल्यूशन है तो आप जिमीदारे बारे दसीए तो आने वाले समय के अपने को अज एक मौका है यदा सल्यूशन लभण वाला तो सत्कारयोग मुख्यमंत्री साहब तो सत्कारयोग जे साढ़े ड्रेनेज विभाग के मंत्री ने उन्होंने कहूँगा कि भी ये बारे सोचा जाए 3-15 अजे 25 दिन हो रहे आ बारिश के पिछले 3-21 तरीक न
डैम च 2,25,000 क्यूसिक पानी आया तो अजे सिर्फ तो 15,000 क्यूसिक पानी छड़िया जा रहा तो साडा यह हाल है। तो जे किसी होर दिन 2,00,000 इन्होंने किसी दिन 50,000 या 1,00,000 छड़ता तो हाल की होएगा थले लोगों का। उसके बारे अच्छ आप सोचने की लड़ है, गेट खिलाने की लड़ है, तो वो विचकार ना खड़िया रहे ताकि लोगों दियाँ फसल भी बचन ते लोगों की आर्थिक सिचुएशन भी बेटर हो। सो ये मेरी सरकार को बेनती है कि हर्ज साडा बढ़ता लोगों का ध्यान रखने का। तो ये जिहड़ी फ्लड वाली सिचुएशन मैं तो यही कहूँगा कि यह ना मैन मेड सिचुएशन हैगी है, ये कोई कुदरत की नहीं, ये डिपार्टमेंट की इनएफिशेंसी, डिपार्टमेंट की मिसमैनेजमेंट, तो अणगहली सरकार की अणगहली करती हैगी है। ये बारे सोचना चाहिए ताकि जिम्मेदार खुशहाल हो। अज भी समय हैगा एक महीने की प्लैनिंग किदा करनी है, किमें करनी है, बहुत बहुत माल डिपार्टमेंट्स बैठे आ, उन्होंने इनवॉल्व करके दरख लाए जाए, पानी कढ़ाया जाए ताकि लोग बच सकन। तो सानू पूरी आस आ कि उत्तों पानी छड़ना ही छड़ना, जिदन छड़ना ना कोई पुछ के नहीं छड़ता, सिर्फ चिट्ठी भेज देंगे पानी आ रहा, लोग अपनी कि फसल तैयार या अपनी चीज़ों का ध्यान रख लें। सो सरकार को बेनती आ इस इंटरवीन करके तो यदा एक सोल्यूशन कढ़िया जाए। धन्यवाद जी। इस तो इलावा आपके सवाल है सुखबीर सिंह बालवान को संबंध किया गया एक बार फिर तो कोटकपुर फाइल को लैके कुछ किस नहीं एस आई टी ने बुलाया। मैं एक गल दसो भाजी, अच्छ जिमीदार रुल रहे फ्लड सिचुएशन है कि इंपोर्टेंट सवाल है या लोगों दसल का इंपोर्टेंट सवाल? इस तो फर्क नहीं, मैं चाहता कि अब आप इस इशू से रहिए कि जिन्हें बंदे बैठे आ ना तो 1% बंदे इतने आए हैं, बाकी लोग अपने खेतों दटा से खड़े आ वेखन कि पानी कदों साढ़े इधर आ। सो भाई अच्छ आप फोकस करिए इस चीज़ के अगर जो गल की जाए अभी कि लोगों के गलबात पिंड गए थे उसके लोग कह रहे हैं कि MLA जबान आ रहे हैं, सरकार जिन्हों की भी अगर फसलें डुब रही जिन्हों के खराब हो रही हैं कोई भी नुकसान हो रहा भी सरकार उन्होंने सुनवाई कर रही है कि लगता भी इस होर तुम आवाज़ अगे लैके दी जिम्मे लोग दस रहे हैं भी साड़ी सुनवाई हो रही है। दसो सुनवाई MLA जाके की कर सकता, गेट खुलिया तो कम सल्यूशन होना, मैं थोड़ी जितनी मर्जी गल् सुन ला, जो पानी निकलूगा तो सल्यूशन है जिम्मेदार का, होर कोई सुनवाई नहीं है। कि असं लोगों को 10,000 12,000 जमन को मुआवजा देना कि 54,000 का निकलता। किसी संबंधित अफसर मंत्री के को अप्रोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को पहला किसी मंत्री गलबात? मैं कंसर्न मंत्री हरजोत सिंह देश जी का पिछले तिना दिन तो 5 बार हो गया पर उन्होंने स्नेहा वापस नहीं आया। तो जो मंत्री साहब रिस्पोंड ही ना कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके उन्होंने दसना पड़ेगा कि हाल की है। और साढ़े DC साहब ने जरूर इंट्रस्ट लेके तरख लाए आ कि कुछ राहत मिली है पर पूरी नहीं, जो तो माड़ा जहा भी पानी आ गया बारिश है 7 दिन हैगी है उत्ते तो फिर की होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, नहर तो दरिया च फर्क तो होना चाहिए, प्यास एक दरिया आ नहर जिदा पानी भी नहीं चक पा रहा तो की कारण किधर समय से सिल्ट नहीं कटी गई है कारण है? बिल्कुल यही कारण है। 1983 के इसी दरिया ने 5.5 लाख क्यूसिक पानी कटिया, अच्छ 30,000 क्यूसिक पानी कट गया। सिल्ट भी है वो बूटे भी है वो पर आप एक लोंग टर्म सोल्यूशन कढ़ना पो। तो मैं सरकार को कहना अपने बड़े ला के सोल्यूशन प्लान करके सोल्यूशन कढ़ीए। और तो पहला सब तेज चीमा बधाई रही पर इस बार ध्यान नहीं दिता। देखो गल ये जे फास्ट से ध्यान दिता हों जी हाल मैं तो यह पूछ लिना भी किसी भी बंदे ने इनकलूडिंग मंत्री साहब जी आ डाटा कटिया हो कि पानी कितों आ रहा है कितने जा रहा ये गैप कितने हो रहा 1,00,000 क्यूसिक पानी तो जो दिमाग च आया होंगे अजय सोल्यूशन जरूर कढ़ दें।
चाली किले मेरे तो मैं तो वीडियो सारा कुछ चाली किले आइटम मेरा टुकड़ा थले बहुत लागे बहुत बस ही। थैंक यू।